महुआ, फतेहपुर पकरी। पानी के तेज रफ्तार के कारण सैकड़ों वर्ष पुराना पीपल का गाछ वाया नदी में गिर गई, जिससे आम नागरिकों को आने जाने में काफी दिक्कत हो रही है। वैशाली जिला अंतर्गत महुआ प्रखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत फतेहपुर पकड़ी के वार्ड नंबर 7 में अमर सिंह स्थान के निकट वाया नदी में पानी के तेज रफ्तार के कारण सैकड़ों वर्ष पुराना पीपल का गाछ वाया नदी में गिर गई, जिससे आम नागरिकों को आने जाने में काफी दिक्कत हो रही है। मौके पर अमरजीत जायसवाल जिला परिषद क्षेत्र संख्या 16 के प्रत्याशी ने पहुंचकर अंचल पदाधिकारी महुआ एवं प्रोग्राम पदाधिकारी महुआ को सारी घटना की जानकारी दी गई। पदाधिकारी द्वारा एक सप्ताह के अंदर कार्य पूर्ण करने का भरोसा दिया गया। मौके पर उपस्थित पंचायत समिति सदस्य श्री राकेश सहनी, मुकेश सहनी, अनिल कुमार पासवान के साथ अन्य ग्रामवासी मौजूद रहे। शासन तो यह आश्वासन दे के चली गई कि मुखिया जी काम कराए। नहीं तो प्रशासन आया, तो प्रशासन अभी तक कौन प्रशासन, सीओ साहब आया है, सीओ साहब आए थे और पीओ साहब और दो चार गो थे इंजीनियर लोग। तो उनके तरफ से क्या आश्वासन मिला कि कब तक हो जाएगा इसका? आश्वासन तो मिला था कि आज ही से स्टार्ट हो जाएगा काम इसका, लेकिन अभी तक देखने को मिल रहा है। जनता का सुध लेने वाला अभी तक के कोई नहीं है। जनता आज के दिनों में त्राहिमाम मचा हुआ है जनता के बीच में जी। सरकार जो अपनी बाहवाई में लगी हुई है, सब तो पुल बन गए हैं, दिखाई नहीं दे रहा पुल है कि नहीं। हर दिन वर्षा का वो महामारी फैला हुआ है जिससे बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। आपको तीन चार दिन से ये जो है पेड़ गिरा हुआ है जिससे आवागमन ही बाधित हो गया है जी, और प्रशासन अभी तक सुन रहा नहीं रहा है। तो ये तो लापरवाही है, प्रशासन की लापरवाही है, सरकार की लापरवाही है जी। आम इंसान जो है सिर्फ वोट देने का मालिक नहीं ना होता है, अरे आपको वोट लेना तक ले लेते हैं, लेकिन जो आम जनजीवन का जो काम है वो भी तो आप ही को देखना है। प्रशासन आए तो प्रशासन का ही कार्य बनता है कि वो जल्द से इसको मरम्मती करवाते, फिर जो गिरा हुआ है इसको हटवाते जी। पानी भर जाने के बाद पूरा गांव ले बैठेगा ये, बाढ़ की स्थिति आएगी तो समस्या है कि गांव भी दहा जाएंगे, आदमी का जीना मुश्किल हो जाएगा। वो तो असंभव है, कैसे भी गांव से तो 6 फुट पानी ऊंचा है अभी। जिला प्रशासन से भी मांग करेंगे कि इस पर जल्दी कार्रवाई हो, सुनवाई हो, मैं उनको भी लिख के दूंगा। देखिए स्थिति है, जिला प्रशासन को हम डीएम को लिखते हैं भाई जल्द से जल्द इस समस्या को देखा जाए, नहीं तो बाढ़ की स्थिति बन जाएगी तो कितने गांव दहा जाएंगे। कितना गांव दहा जाएगा वैसे आदमी के, हम अभी सीओ साहब से बात करके देखते हैं कि क्या प्रक्रिया हुआ, क्या उनके सामने में आए, क्या देखे, क्या निरीक्षण किए, कब तक कार्य होगा। हम सीओ साहब से ही बात करते हैं अभी और उम्मीद करेंगे कि प्राधिकारी के सहयोग से कार्य जल्दी सफल हो जाए। और ये बात विधायक जी के लेवल तक भी जाना, हम विधायक जी को भी कहेंगे, वो भी इस पर विचार विमर्श करे। जो है पानी जैसे जैसे बढ़ेगा, एक दो बारिश आएगा तो बहुत खतरनाक हो जाएगा अगर ऐसे पड़ा रहा। नहीं, मोबाइल ले तो बात करते हैं।